भूमि विवाद में शिक्षा मित्र के मौत के बाद गांव में पुलिस बल तैनात, आरोपियों के गिरफ्तारी पर अड़े परिजन। निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम परागपुर टोला बिलवाडी में शुक्रवार रात करीब 9 बजे जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक महिला शिक्षा मित्र की मौत हो गई जबकि उसके ससुर और देवर घायल हो गए हैं। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए शनिवार की सुबह से ही मृतकों के घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि ग्राम परागपुर टोला बिलवाडी निवासी केशव त्रिपाठी और उसके एक पट्टीदार में पानी पाइपलाइन बिछाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आरोपियों ने केशव त्रिपाठी और उसके छोटे बेटे भुवनेश्वर को मारने पीटने लगे, जिन्हें बचाने पहुंची शिक्षा मित्र नंदिनी देवी को भी मारा पीटा, जिसके बाद तीनों को CHC लाया गया जहां चिकित्सकों ने नंदिनी देवी को मृतक घोषित कर दिया। अब गांव में पुलिस तैनात है और परिजन मुकदमा दर्ज करने के बाद ही शव को जलाने की बात पर अड़े हुए हैं। हमारा नाम केशव तिवारी है, हम परागपुर टोला बेलवाडी के रहने वाले हैं। निचलौल क्षेत्र हमारा है, थाना है, और कुछ विवाद ऐसे हुआ जो ये टूटियाँ लगाने के लिए दुआ करने जा रहे थे। इसी पर हम लोगों ने बोला तो बोल बार करके धर्म भरम कुछ हो गया। अंत में W ने कहा किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, रोक देगा। तो हमारा लड़का उमेश ने कहा कि तब देखते हैं, आकर के लगवा लो, तुम तीसरा हो, तुम क्यों बोलते हो, हमरे उनके बीच में काम हो रहा है। वो तो कहा कि अभी आकर मारेंगे, तो कहा कि आइए मारिए। इसी पर आकर उसका घट ही दबा दिया W ने, विजय गठई दबा दिया। और जब गठई दबाया तो पारस के लड़के डंटा लेकर मारना शुरू कर दिए। और लोगों को किसको मारे? छोटे लड़के भुवनेश्वर को मारा। जब 2 लाठी मारा वो चिलमिला कर गिर गया नीचे, तो हम वहाँ सोए थे, दौड़ करके आए उसको देखने के लिए। हमके बीच में हम खड़ा हो जाएंगे, हमको देख करके चुप हो जाएगा। जिनकी मौत हुई नंदिनी, इनको भी चोट लगा था मारपीट में? वो हमको बचाने में उसको लगा है। अच्छा, आपको बचा रहे थे? हाँ।